हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म लगा चुके होंगे, नहीं लगाए तो अब लगा दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर आखिर इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, क्योंकि ये पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा चुकी है, तो क्या बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाएगी, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई, क्या ये एग्ज़ाम इससे आगे भी जा सकती है। इसी के साथ में एक एग्ज़ाम और क्लेश करती है एलडीसी के साथ में, वो कौन सी एग्ज़ाम है आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इससे बहुत पहले यानी कि आज से 3 से 4 साल पहले एक वैकेंसी आई थी, कौन सी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी। ठीक है, इन दोनों को लेकर के कहां क्लेश हो रहा है, क्या एलडीसी के एग्जाम पहले होगी या फिर ग्रुप डी के एग्जाम पहले होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सब कुछ बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक और चीज, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया है, जिनके पास में ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस था, वो नहीं बना हुआ था नया वाला, तो उनको लेकर के बहुत बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन ने दे रखा है, वो वीडियो भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे लाडलो, आपको काफी वीडियोज मिल रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी एग्जाम की जो अंतिम तिथि है, यानी कि इसकी अंतिम तिथि कब है, 22 सितंबर 2022, इसके बाद में ये एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि 45 डेज के बाद में एग्जाम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं नकार भी नहीं रहा, यानी कि अगर 45 डेज की बात करूं तो अक्टूबर तो पूरा ठीक है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं मानते तो 7 से 8 दिन सितंबर के मान लीजिए, यानी इस तरीके से जो एक आइडिया लगाया जा रहा है कि नवंबर के सेकेंड वीक या फिर लास्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है, यही आपका एक आइडिया हो सकता है। बिल्कुल चलिए, आप इस तरीके से आप मान करके चल सकते हैं कि नवंबर से दिसंबर के अंदर एग्जाम हो सकती है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपने जो भी आप मेरे पास जो क्वेरी थी उनके आधार पर बता रहा हूँ कि सर ये आइडिया जा रहे हैं, जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अभी 100% ट्रूथ मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूँ, 22 सितंबर को जैसे ही ये फॉर्म फिनिश होंगे उसके बाद में कभी भी मैं भी हो सकता है कि सितंबर में ही आपको नोटिस मिल जाए, तो 100% ट्रूथ तो आप उसी को मानिएगा जब ऑफिशियली नोटिस जारी हो जाए, लेकिन इतने दिन भी आप लोगों को एक तैयारी कर सके सुचारू रूप से, इसलिए जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुन लीजिएगा। मैं पहले डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूँ, जिससे आप भरोसे ना रहे और ये ना कह सको कि सर आपने गलत बताया था, लेकिन आप लोगों के मन में जो डाउट है उसको क्लियर कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको ज़रूर समझ लीजिएगा कि अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि ये 22 सितंबर को फॉर्म फिनिश हो रहे हैं ठीक है, यानी कि अंतिम तिथि है, तो इसके बाद में क्या एग्जाम नवंबर और दिसंबर में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चांसेज है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता, यानी कि नवंबर लास्ट के अंदर, यानी कि नवंबर में कब, 20 तारीख के बाद में, दिसंबर में कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है, लेकिन कब किस स्थिति के अंदर वो सुनिएगा। एक और एग्जाम है ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी ये कब से पेंडिंग चल रही है, जिसको लेकर के बीच में खबरें भी आई थी कि आरएसएम एसएसबी से एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। तो इसमें अगर ज़्यादा बच्चे थे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसमें अगर ज़्यादा बच्चे थे कि कोर्ट इतने बच्चों के एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो अब तो इसके अंदर अगर आप ज़्यादा भी नहीं मानते हो ना एलडीसी के अंदर, तो आप इतना मान करके चलिए, पिछली बार तो इतने 2 से 3 लाख फॉर्म थे ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से लोग फिलअप नहीं कर पाए थे, कईयों को नॉलेज भी नहीं था। इस बार आप मिनिमम भी मान के चलते हैं ना, तो आपको 8 से 10 लाख फॉर्म जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्या इतने लोगों की एग्जाम हाईकोर्ट ले सकता, अगर ग्रुप डी वालों की नहीं ले सकता है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्लेश होगा कि अगर हाईकोर्ट नहीं करवाएगा तो इस एग्जाम को कौन करवाएगा। अभी हम यही मान के चलते कि दोनों एग्जाम हाईकोर्ट ही कंडक्ट करेगा, ग्रुप डी भी और आपकी एलडीसी भी। तो इस तरीके से चाहे हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट करवाए या फिर और कोई संस्था के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, तो पहले जहां तक है इस चीज को अगर हाईकोर्ट संज्ञान में लेता है तो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है पहले, ये पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफर्मेशन आपको जब ऑफिशियल नोटिस जारी हो तभी मानिएगा। ग्रुप डी का अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो ये एग्जाम है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, कौन सा, ग्रुप डी वाला ठीक है। अगर इसको अक्टूबर में लेते हैं तो सितंबर में खबर आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई, तो अक्टूबर में तो ये ग्रुप डी भी नहीं हो सकता और ना ही एलडीसी हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर में मे बी अगर प्रायोरिटी दे इस एग्जाम को अगर कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो ये जो एग्जाम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अभी एक संभावना है जो कि चल सकती है ठीक है। तो इसको समझिएगा, आपको तैयारी नवंबर मान करके ही करनी है, तो ये एग्जाम अगर ये पहले करवाया जाता है या तो दिसंबर लास्ट में एलडीसी वाला, या फिर ये जनवरी
2023 तक भी ये एग्ज़ाम जा सकता है, ये अभी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए कह रहा हूँ अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक भी एग्ज़ाम जा सकता है, अभी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। मेरे ये बोलते एकदम से भूचाल आएगा, कई बच्चे बोलेंगे कि हवा में बात कर रहे हो, क्यों बच्चों को बहका रहे हो, ये बात आएगी। फिर आप जा करके अलग अलग जगह जा करके अपने गुरुजनों से भी राय लेंगे, वो सही भी है, टेंशन होती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी कब बन सकती है, जब अगर ग्रुप डी की एग्ज़ाम करवाई जाए तो इसमें थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आप नवंबर मान के ही तैयारी कीजिए, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी बनती थी वो मैंने सिर्फ आपको बताई है। तो टेंशन फ्री रहिए, कम से कम 45 डेज का टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए भेड़ चाल में चलने का मुझे शौक नहीं है कि जो चीज़ आपको बार बार बताई जा रही उसी चीज़ को रिपीट करूँ, लेकिन जो चीज़ अंदर भी चलती है उस चीज़ से भी आपको रूबरू करवाना मेरा काम है। उम्मीद है आप इतने दिन से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो किस बेस पे बोलता हूँ। बाकी मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ओरिजिनल जब तक ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए आप किसी की भी बात मत मानिए। अगर जारी हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ घबराइए मत, लेकिन प्रिपरेशन आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। आपने ग्रुप डी और एलडीसी दोनों फॉर्म भी लगाए ना, तो एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना करके चलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए स्पेशली आपको पता है कि पिछली बार भी इसके अंदर आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिले थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, करंट अफेयर के जिनमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन थे वो आपको इंडिया प्लस इंटरनेशनल के भी देखने को मिले थे, और बाकी जो राजस्थान का देखने को मिला था आप सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर के पीछे हैं। तो पिछला ज़्यादा भी नहीं, तो अगर आप एक साल का करंट अफेयर तो लेकर के चलिएगा। इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशली इसी हाईकोर्ट के लिए जो करंट अफेयर है जो आपका जुलाई 2021 से लेकर के आपको अगस्त 2022 तक का जो करंट अफेयर है राजस्थान इंडिया प्लस इंटरनेशनल, ये कॉम्बो पैक आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सारा का सारा एक जगह वन लाइनर में पूरा कॉम्बो पैक मिल जाएगा। और इसके लिए आपका जो टॉप 1000 क्वेश्चन तैयार किए गए जो पिछली हाईकोर्ट के एग्जाम में भी उनमें से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, वो भी आपको ये दोनों पीडीएफ आपको अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से एक टारगेट लेकर के चलिएगा। उन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल पे किस तरीके से तैयारी करनी है। और जल्द ही आपके लिए राजस्थान जीके के लेकर जो ऑल एग्जाम रिव्यू से रिलेटेड आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको छोटी छोटी अपडेट भी जो वीडियो से नहीं मिल पाती वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPSC, SSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।